साहिल साहिल अरोरा को मिला अरोरा। यार। हाँ हेलो हाँ साहिल अरोरा आए। हेलो हाँ साहिल यार साहिल भाई, अरोरा। हैप्पी होली सबको मेरे तरफ से हैप्पी पहले। लोली, बाकी हैप्पी मुझे लोली। अमित आपसे ये पूछना था, आपने पहले हाँ डिबेट हाँ में भाई, क्यों मुझे हटाया? आपकी डिबेट में आप सच्चाई नहीं सुन पाते, या आप डिबेट करने की आपकी औकात ही नहीं है? क्योंकि मैं अभी अच्छा ह्यूमन एंड ओ साइंस में गया था, क्या मैंने भी बात हटा है, दिया। बोलने तो बोलने तो। हाँ 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 आगे। उन्होंने भी मुझे हटा दिया था, क्योंकि आप डिबेट करने की आपकी औकात नहीं है, या आप सच्चाई नहीं सुन पाते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आप उस दिन भगवान कृष्ण को डिफेंड कर रहे थे ना, हाँ तेरे नहीं, मैं हर कृष्ण की भगवान औकात को। है, सुन अब सुन, तेरे औकात है तेरे कृष्ण की, तेरे को भेजता है, तेरे कृष्ण की औकात है मेरे से बात करने की, है देखिए, भगवान की तो औकात है, तेरे कृष्ण की औकात, आप अपनी औकात है तो बनाए, ला वो अपने बुला, आप चल बनाए। अभी बुला, पहले आप अपनी औकात बनाइए उस तेरे टाइप की, कृष्ण भगवान की की औकात बता, भगवान की औकात नहीं, आपकी पहले औकात होनी चाहिए, तभी तो तेरे भगवान आएंगे। कृष्ण की कोई औकात नहीं है मेरे सामने, ले इतनी बड़ी बात बोल दिया, देखिए वो तो अगर कोई भी है, कुछ अगर भी। होती तो खुद आता, 20 साल के लौंडे को नहीं भेजता, देखिए मैं तो, भगवान ने मुझे बीस भेजा नहीं है, साल का बस लड़का अपने भगवान की लड़ाई लड़ रहा है। मुझे नहीं पसंद कोई बोले हिसाब से भगवान के बारे में, तो क्या करेगा, क्योंकि अगर आपके कोई प्रेमिका के बारे में मेरी कुछ हाइट बोलेगा तो साढ़े आपको पांच लगेगा। फुट है, तू क्या करेगा, तेरे से तो मैं 6 इंच लंबा हूं, हाइट से कुछ नहं होता, ज्ञान क्यों का और तेरे को बुद्धि का भी होता फुफकराटे आता है है, वैल्यू। फुफकराटे आता है तेरे को क्या? अच्छा चल, तो बोल दिया तेरे भगवान, क्या करेगा वो तो ऊपर वाला बताएगा, मैं तो बस आपको समझा सकता हूँ। तो वही बता लेने देना, वही बताएगा फिर, बट आप ऐसे उसकी क्यों कर औकात रहे ही हैं? नहीं है मेरे को कुछ बताने की, मैं तेरे को डायरेक्ट बोल रहा हूं, मैं रोज उसकी औकात बताता हूं, आज तक वो मेरे को मेरी औकात नहीं बता पाया, तो आप जब तेरे ऊपर किसी जाएंगे, भगवान, तेरा अल्लाह, जीसस कृष्ण, ये तुम लोग सब एक ही थाली चट्टे बट्टे हैं सब, इनकी किसी की कोई औकात नहीं है। तो आप सनातन को क्यों टारगेट कर रहे हैं बार बार, और किसी धर्म के बारे में क्यों नहीं बोलते आप? तू आपकी किस फटकी धर्म है का है, तू या आपकी? सनातन अच्छा लगता है, सनातन। किस धर्म का है? बाकी आप और धर्म के बारे में क्यों नहीं बोलते? आपको डर लगता है एक कि मिनट, कोई तू अपने आपको पापा, मार एक मिनट सुन ना, तू अपने पापा को ही पापा देगा? बोलता है कि पड़ोसी को भी बोलता है पापा? नहीं, अपने पापा को। तो जब तेरे पापा की बात होगी तो तेरे से ही तो होगी, तो जब तेरे से बात होगी तो सनातन की बात करूंगा, क्योंकि पर आपके चैनल में ज्यादातर वीडियो सनातन के लिए क्यों होती हैं, बाकी और मैं धर्म के तेरे लिए क्यों नहीं सनातन धर्म करते? से निकला हूं ना, मेरे को मजा आता है, तुम लोग बंदर को सूरज खिलाते हो भाई, तुम्हारा तो कोई मुकाबला ही नहीं दुनिया में, तुम लोग शेष नाग के ऊपर तुम्हारा कृष्ण नाचता है, 16,000 उसकी रानी है, बंदर तुम्हारा सूरज खाता है, एक हाथी चूहा के ऊपर घूम रहा है, एक कछुआ भी तुम्हारा भगवान है, एक सुअर भी तुम्हारा भगवान है, हाँ कौआ भी, काग भुसंडी, चील, कौआ, सांप, कछुआ, कुत्ता भी होगा कहीं, खोजूंगा तो मिल जाएगा, घोड़ा वाला तो है ही वो हया ग्रीवा, तुम्हारा तो यार कोई मुकाबला ही नहीं पूरी दुनिया में, तुम लोग अनोखे ही हो यार। हाँ बट आप बंदर और कोई क्यों इंसानों से बनाते हैं, और शादी कोई करके लाइफ में घूम क्यों रहे नहीं हैं करते हैं? और किसी धर्म के इस बारे पे, में, आप तो कोई और किसी आएगा तो, अल्लाह के अरे बारे में, जीसस के बारे में? तो जैसे कि तुम अपने पापा को ही अपना पापा बोलते हो ना, पड़ोसी को थोड़ी नहीं बोलते जाके, तो वैसे ही जब तुम सनातन वाले आओगे तो तुमसे तो सनातन की बात करूंगा ना। बट आप जैसे लाइफ स्ट्रीमिंग करते हैं अच्छा डेली, अच्छा मतलब तो कभी इतना कभार। नाराज क्यों हो रहे हो यार, आज प्यार प्यार से बात करते हैं ना अपन, नाराजगी दूर कर लो, पहले निचोड़ लो, नाराज की आपसे नहीं है, आपकी अज्ञानता के, आप में अज्ञानता में इसलिए आप, मैं मतलब है, मुझे अज्ञानी, आपसे नहीं है। चलो ऐसे ही समझ लो, अज्ञानी, आपके पास ज्ञान है, या कौन आपसे सी कोई क्लास दिक्कत तक नहीं है? पढ़े हो आप? मैं 11th, मैं 12th तक हो चुका हूँ पास। 12th पास हो चुके हो, मतलब उसके बाद करी है नहीं मैंने, पढ़े, नहीं उसके बाद नहीं, उसके तो बाद कुछ मतलब आप पढ़ाई में क्लास इंटर। 12th पढ़े हो और मैं पीजी किया हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं, और आप जो है, और मैं अज्ञानी हूँ, आप ज्ञानी हो, अच्छा, मतलब ये भौतिक संसार की जो ज्ञान होता है उसी का ही है भौतिक, जो। ये जो मोबाइल जिससे चला रहे हो, ये क्या स्वर्गीक है, क्या ये स्वर्ग से उतरे? तो नहीं, टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी, तो ये जो टेक्नोलॉजी जो मिली है, ये भौतिक चीजों से ही तो मिली ना, लोलोलॉजी, हाँ
ये नहीं रहती। कृष्ण जी के पास था मोबाइल, इनके पास दिव्य शक्ति थी, कृष्ण जी वो के है समय आपके में पास। इंटरनेट होता ना तो वृंदावन की औरतों के कपड़े बच जाते भाई। उनके पास बहुत बड़ा लेकिन इंस्ट्रूमेंट था कृष्ण जी के पॉर्न पास, हब बहुत से बड़ा सीधा देखो, इंस्ट्रूमेंट। अपना बात कह वही दी निकालो आपने यार, जितना निकालना है दिमाग अपना वही ठंडा करो। सर, उनके पास बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट था कृष्ण जी के पास, समझिए 16,000 रानियां थी, इंस्ट्रूमेंट कितना बड़ा हाँ ये होगा। बात तो है। चलो भाई बताओ अज्ञान हमारा, आज अपने पूरी चीज हमको बताओ गुस्सा हुए बगैर, ठीक ठीक है, है? बट आपसे आज आपको रिक्वेस्ट है पूरा कि आप टाइम मुझे दिया हटाएंगे जाएगा नहीं। आज। हाँ नहीं हटाएंगे आज, आपको बहुत सारा टाइम दिया जाएगा, 30 सेकंड है आपके पास, बताओ क्या बोलोगे? अच्छा ठीक है, पहले तो आप जो कृष्ण के बारे में, शिव के बारे में, सनातन धर्म को जो टारगेट कर रहे हैं, आपके वजह से टारगेट जो भोले वाले लोग हैं जिनको थोड़ी भी कौन से श्रद्धा वाले? है, वो आपका चैनल देखकर, वो भी आपके थ्रू ही, आप तो खुद तो नर्क जाएंगे, द्वार खोल ही हाँ रहे हैं हाँ अपने लिए, दूसरों को भी आप अपने साथ ही धकेल रहे हैं। मतलब मेरे से एक दोस्त था, वो भी अच्छा, मतलब ऐसे आप ही आपका चैनल देखा, वो भी था मतलब हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत भक्ति में, बट वो अब मेरे को देख आपकी के तरह ही ऐसा बन गए। उलट गए हो? बट वही आपने अज्ञानता में उसको, आपने तत्वों से नहीं बताया हाँ असली में बात अच्छा, कि क्या चलो मेरे को हुआ एक था, बात क्यों कह बताओ। रहे थे। चलो मैं नरक जाऊंगा मान लिया, सुनो ना ये बताओ, जो लोग तमस में लीन है, तामसिक जिनके गुण है, वो नरक में जाएंगे? हाँ ऐश्वर्या राय में तामसिक गुण है, ठुमका लगाती है। सब में ही है, देखिए सब में ही एक तीनों, मिनट ये माया साहिल, के। धीरे हाँ धीरे चलेंगे, धीरे धीरे। हाँ तो ठीक है ऐश्वर्या ठीक राय है। कहाँ जाएगी? देखिए मैं, देख के हर नहीं, मनुष्य बताओ के अंदर कहाँ तीनों जाएगी? गुण होते हैं, तीनों गुण होते हैं, सत्व भी होता नहीं है, तो ऐश्वर्या रजोगुण भी तो होता है, नरक तमोगुण जाएगी ना, होता तामसिक गुण है उसके अंदर। है। अगर उसने पाप किए होंगे ज्यादा जीवन में, अगर कम, अगर 50-50 किए होंगे, 50 तो पुण्य ऐश्वर्या 50 राय पाप। जो है ये कटरीना कैफ, और वो तो ये मुझे नहीं नरक पता उन्होंने जाएगी? पाप ज्यादा किए हैं या पुण्य। सारा अली खान, देखिए उन्होंने कुछ अच्छा ही किया होगा पुण्य, तभी उनको सन्नी लियोनी ऐसे, कहाँ जाएगी? चलो बता दो, उसे नर्क नर्क, में ही रखना है क्योंकि सर जैसे वो हमको, कार्य नर्क। करती है, जैसे वो बनाती है सॉन्ग, मतलब ऐसे करती समाज है, सेवा करती है भाई, सही से बोलो। हाँ ये तो सही बात है। कहाँ अच्छा ये बताओ, कहाँ स्वर्ग में कौन कौन जाएंगी फिर? सर में वो जाते हैं जो अच्छे काम करते हैं, जो क्या दूसरों की क्या हेल्प है करते हैं, दान करते हेल्प? हैं, मैं तो कितनी हेल्प करता हूं, आपको क्या पता? जैसे आप तो आपके दोस्त अज्ञानता की में हेल्प डाल रहे हैं, की, आप तो हेल्प तो कर आपके ही नहीं दोस्त रहे की हैं, हेल्प किया ना, मैं जा रहे हूं नरक अब। आपने हेल्प कहाँ करी उसको, बेचारे को जीवन खराब कर दिया। ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं आपका चैनल हाँ देखकर ऐसे हो रहा है हिसाब से, तो अच्छा, मुझे और भगवान, बताओ और क्या क्या इनका है, कृष्ण तो और क्या ठीक कर देगा अज्ञानता ना है हमारे जीवन, अंदर? कृष्ण तो भगवान है, उनको बोलो उनका जीवन आप ठीक कर कृष्ण के दे। बारे में बोल रहे हैं, राम के बारे में, शिव के बारे में बोल रहे हैं, पुराणों के अच्छा ये बारे में। शुभम यादव भाई एक सवाल पूछ रहे हैं भाई, कंगना रनौत कहाँ जाएगी? देखिए वो उसके, मैं भगवान तो हूं नहीं, मैंने उसके पाप किया, उसके पुण्य देखे, वो जीवन में कितने पाप किए कितने पुण्य किए, वो तो भगवान ही बता सकते हैं क्या मोदी करे, जी मतलब कहाँ उसने जाएंगे? क्या। मोदी जी, मोदी जी जैसे उन्होंने बताते हैं, जैसे उन लोगों ने ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, जैसे देश के लिए अपने लिए है, उनके लिए अच्छी, मतलब वो स्वर्ग जाएंगे, अच्छे संस्थान के अच्छे व्यक्ति हैं, वो स्वर्ग जा रहे हैं सोचते हैं क्या? अपने देश के बारे में। वो देखिए स्वर्ग जा रहे हैं? स्वर्ग में, हाँ हो सकता है मे अगर बी, वो स्वर्ग जा रहे हैं तो मैं नरक जाऊंगा यार, प्लीज। अगर मोदी जी स्वर्ग जा ब्रह्मचर्य। रहे हैं तो मैं मोदी जी के साथ नहीं रहूंगा स्वर्ग में। मैंने ये ब्रह्मचर्य जीवन यहाँ बिता लिया मोदी जी के साथ, ये बहुत बड़ी मैंने काम कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा मोदी जी के साथ। मोदी जी स्वर्ग जा रहे हैं, वैसे मैं आपके, मैं अमित आपके शाह दोस्त कहाँ के, जा रहा है दोस्त भाई? की तरह अमित बात शाह कर रहे है हैं, भाई की तरह, भाई की तरह बात कर भाई रहे हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसा भाई, कुछ हुआ था, कोई ऐसा कुछ योगी घटना आदित्यनाथ हुई थी कहाँ जा जिसके रहे हैं वजह भाई? से। योगी आदित्यनाथ देखिए जैसे वो भगवा कपड़ा पहना हुआ, उन्होंने अच्छे काम हाँ करते हैं भगवान के लिए, भगवान हाँ के ब्रह्मचर्य, लोग ही ब्रह्मचर्य रहते बोलो, हैं। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य बोलो। वो भी स्वर्ग जा रहे हैं क्या? नहीं भगवान के लोग नहीं, स्वर्ग में, अरे भाई देखिए स्वर्ग में जाके वो भी आना स्वर्ग जा पड़ता रहे है, हैं क्या भाई? योगी आदित्यनाथ नहीं जा रहे वो कहाँ जा रहे हैं? लोग, भगवान के लोग, अरे जहां मतलब पे आकर दोबारा नहीं आना पड़ता, यहाँ पे पृथ्वी लोक में वो नरक में तो नहीं जा रहे ना? हाँ नहीं। तो मैं तो नरक में जाऊंगा भाई, मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जहां नहीं जा रहे मैं वहां जाऊंगा। आप मजाक में ले रहे और हैं बताओ। चीजों को, आप अच्छा चलो ये सीरियसली तो कर हो नहीं रहे गया, हैं। नहीं सीरियसली पूरी बात करूंगा। चलो और बताओ।
सर इन थोड़ा ब्रह्मचर्य के बारे में पूछो ना, ये करते हैं कि नहीं ब्रह्मचर्य का पालन, पूछो तो सही। आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो? हाँ मैं करता हूँ, कितनी बार? ज्ञान उससे बिना हो एक ही नहीं हफ्ते सकता, में कितनी इंद्रियों में बार करते निकले। हो? एक हफ्ते में कितनी बार करते हो? देखिए मैं मंथली चलता है मेरा, पहले मैं था एडिक्शन में सच्ची बताऊं तो, उसके बाद क्या मैंने क्या धीरे धीरे एडिक्शन था करके भाई? छोड़ क्या दिया। क्या था यार साहिल भाई, क्या एडिक्ट थे आप? वो थोड़े से गलत लोग मिल गए थे स्कूल में तो इसलिए तो मैंने अच्छा, वो जैसे आदत हमारे लगा। गांव के उसमें लिखा रहता है कि बचपन की जो बुरी संगत की वजह से जो हो जाता है बट मैंने उससे हाँ? निकल गया था, उससे निकल अक्सर ये गया था। फला फला से मिलिए बचपन। अच्छा, वो लोग आपको सिखाए थे? ओ Oh माय सिखाए नहीं गॉड, थे बट उन्होंने डाला अष्ट मैथुन की गलत। बात कर रहे हो क्या? तो आपके दोस्त लोगों की संगत से आप हस्त मैथुन सीखे थे, दुल्हन देखिए गलत बजाना संगत सीखे का थे? असर होता है, जैसे आप भी नहीं अभी नहीं जैसे कैसे, एक लोग मिनट में समझाओ यार, हस्त मैथुन गलत संगत का कैसे कैसे मतलब होता है? नहीं सर ये ढोलक की बात कर रहे मैंने हैं मुझे लगता बताया है। कि ऐसे ऐसे भी कुछ होता है जिससे आप अपने आप को सेल्फ प्रेजर कर सकते हैं, अपने आप को संतुष्ट कर आपके सकते हैं। दोस्त लोग बताए आपको कि ऐसे ऐसे करोगे साहिल तो तुम अच्छा लगेगा तुमको? फिर मुझे नहीं मन पता था लगा इसके था बारे कि में, लगा था कि नहीं अच्छा अच्छा। लगता था? अच्छा लगता था, गलत है इससे बॉडी खराब होती है। कृष्ण जी तो बॉडी खूब खराब करते थे होती यार, है? कृष्ण जी करते थे कि नहीं, नहीं बॉडी क्यों खराब होगी मोरल सर? वैसे उससे पता नहीं, कृष्ण जी की तो देखिए नहीं हुई सर, 16,000 आपको रानी क्या लग अच्छी रहा होती था है। कि देखिए वो शुरू कितनी, करने के लिए देखिए है सिर्फ? बॉडी का कितना खाना हम खाने के बाद खून बनता है, उसने कितना कम अब मात्रा मैं तो जितना खून हम फेंक रहा खाना था खाते क्या हैं। आपके हस्त में? तुमसे ये खून कृष्ण जी निकालते को थे नहीं क्या आप? बताया आपने? हाँ ये कृष्ण जी को एक बताना दोस्त था ना ने ये ये भी, ज्ञान। हाँ मतलब बहुत ज्यादा बॉडी मेहनत करने करती है, खाना खाती है, सिर पचाती है, उसके बाद हड्डी बनती है, मांस बनता है, उसके बाद आखिर में जाके बनता है वीर्य। तो कृष्ण बहुत जी को बताया कि महत्वपूर्ण, नहीं ये बात? कृष्ण जी को बताते ना ये बात तो यार, उनकी सोलह खीर हजार बचा रानियां के थी। करोगे क्या वैसे? बचा लिए जैसे, हाँ कौन सी फौज बना रहे हो? क्या उखाड़ देखिए लोगे? दिमाग तेज होता है, उससे बॉडी में खीर आता है, से बल आपका आता है, दिमाग तेज ज्ञान लेकर। होता है हाँ आपकी तरह कैसे भाई? अज्ञानता नहीं होती सर, आपकी तरह अज्ञानता नहीं आती सर, जो आप ऐसे अब डिबेट कर रहे हैं ना ऐसे कि भगवान ऐसे हैं, अच्छा भगवान अच्छा इधर मैं वीर, अच्छा, मैं वीर निकाल देता हूँ इसलिए मैं अज्ञानी हूँ, आप संभाल के रखे हो कृष्ण इसलिए आपके पास ज्ञान है, ये बोल रहे हो? जी अज्ञानी थे। वो सी सर व्यास का भी वीर स्खलित हो गया था वो भी आग के ऊपर, अभी तो एक इनके ना तो ऋषि मुनि मतलब का तो वीर मैं रत्न ब्राह्मण हो रहता जाए था वो नाइट वाला दिखाएंगे को। अपन की, वो जो गर्भाशय के अंदर था ना वो ऋषि, कि अरे चाचा जी हाँ मैं हाँ यहाँ हाँ हूँ। लात मार दिया था हाँ उसका उसको। भी वीर गिर गया था। हाँ देखिए नॉर्मल हो जाए नाइटफॉल तो चलता है, वो नॉर्मल है, नाइटफॉल नहीं अरे था एक भाई, मिनट, वैसे साहिल भाई अप्सरा ये को देख के वीर गिर गया था। वीर से आपकी बुद्धि संबंधित है, ऐसे नाइटफॉल हो गया तो साहिल भाई की बुद्धि रात में अपने आप निकल गई? फिर साहिल भाई खाना खाए लगे बड़े साहिल भाई, एक एक बूंद इकट्ठा किए, मेरा दिमाग वापस आया ऐसे। ऐसा नहीं होता है कि बॉडी साहिल तुम्हारे भाई शास्त्रों को। आपके वीर से क्या मतलब, आपको क्या है ऐसा? देखिए उससे फौज फौज आध्यात्मिक आध्यात्मिक आपकी वो बढ़ती है, समझने की वीर शास्त्रों से को, बढ़ती, ज्ञान लेने में बुद्धि वीर आपकी से बलती है। हाँ बुद्धि बुद्धि कैसे का भी बढ़ती? होता है, साहिल भाई आपकी वीर से बुद्धि कैसे बढ़ जाती है? मतलब आजकल आप किसी भी यूथ से पूछ लेगा जिसको एडिक्शन है, वो खुद कहता है कि भाई मेरा दिमाग स्लो हो गया है, मेरी बॉडी कुछ काम की नहीं रही है, मेरे अंदर मतलब रहा नहीं नहीं है मेरे वो को आज ताकत तक ऐसा पूरी। कोई नहीं मिला यार कि जो हस्त मैथुन करता है वो मेरे को बोल रहा है मेरा दिमाग स्लो हो गया। वही तो बल्कि मुझे हस्त मिला है। देखिए मैथुन करने के लिए दिमाग तेज चलाना पड़ता है। अनुभव, अनुभव सबसे बड़ी चीज है, अनुभव मुझे हुआ अनुभव, था। हाँ फिर मैंने अपने आप को कैसे कैसे करके ठीक किया वो आपको मुझे काम पता है। क्रीड़ा का अनुभव थोड़ी ना हुआ अभी तक? 20 तो साहिल भाई आपकी उम्र कितनी है वैसे ये तो बताएं थोड़ी। है। 20 20 साल उम्र है, तो मतलब आपने कितने साल में ये किया था और कितने साल में छोड़ दिया? मुझे दो दो साल लगभग, दो 19 से दो साल 20 के मतलब बीच 16-17 साल में तो आपका शुरू हुआ होगा, फिर आपने 2-1 साल में छोड़ ही दिया। में। नहीं मैंने वो सेवेंथ में हुआ था, मतलब सेवंथ सेवेंथ में में शुरू हो सॉरी, गया था आपका? नहीं सेवेंथ? नहीं यार सेवेंथ, कुछ जल्दी नहीं, सेवेंथ ज्यादा में जल्दी भी नहीं, नहीं तो सेवेंथ नहीं नहीं बड़ी उस बोल रहे हो, इनकी इनकी संगत एक्चुअली गलत तब थी ना मेरा मोरल थोड़ा सर? थोड़ा आने, मेरे को थोड़ा होने लग गया था, मतलब इंटरेस्ट होने आने लग लग गया था गया था भाई, मुझे भी बस अंदर। पूछू था उसू उस वक्त मतलब स्टार्टिंग थी, उस पर धीरे धीरे करते करते 9th तक मुझे हुआ। 9th और 10th में सबसे ज्यादा इशू रहा। तो सेवंथ अच्छा में अच्छा कहाँ क्या इशू इतना रहा? वो रहता है सर, बड़ा थोड़ी रहता दर्द है, देता क्या था? बात कर रहे हो। हाँ 9th एंड मोरल सर, 10th आज में ना, आज मैं अपन पूरी मतलब
इलाज कर ही देते हैं आज पूरा। हाँ मुझे लग रहा है सर, नहीं, ये आज आपको तो फाइनल डिबेट करना ही चाहते हैं जो आप कर रहे हैं। डिबेट ही तो चल रही है, पेन था क्या? नहीं, मैं आज आपसे बात करना ही चाहता हूँ इसके लिए, क्लियर बात कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, और मेरे सेवंथ धर्म के में बारे शुरू में किया। क्यों हाँ इतना अरोड़ा बोल। भाई सुनो तो सही यार, सेवंथ में शुरू किया, नहीं एट नहीं नाइन सेवंथ में मेरे को टेंथ तक इंटरेस्ट आपने आने लगा किया। था। नहीं 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 नाइन्थ और टेंथ में था इशू, ठीक है। सेवंथ तक मेरा धीरे धीरे इसमें जो होता है, जैसे आता है बदलाव बॉडी के अंदर, सेवंथ में तो दूसरे आप में बेबी हो गए ऐसा। यार, सेवंथ में आप बेबी हो बेबी गए थे आप? यार, मम्मी हाँ पॉटी धुलाती होंगी हाँ सेवंथ में आपकी, यार क्या बातें कर रहे हो। देखिए देखिए इतना भी नहीं सेवंथ था, में तभी शुरू कर सेवंथ में दिया एक भाई, बच्चा मम्मी पॉटी मेच्योर धुलाती हो थी। जाता है। छोटे थे छोटे थे। सेवंथ में मम्मी पॉटी धुलाती हैं यार, क्या बातें कर रहे हो यार। नाइन्थ एंड टेंथ में इश्यू था मेरी, अच्छा मतलब एज क्या मम्मी था। धुलाती थी तब नहीं था, ठीक है। नाइन टेंथ तक आपका, चलो ठीक है, बेबी थोड़ा सा बड़ा हो गया, चलो हाँ फिर क्या हुआ उस? उसके बाद मैंने क्विट कर दिया, मतलब मैंने छोड़ दिया बिल्कुल, बुरी मतलब काफी क्यों? मेरी बुरी हालत, मतलब हो गया था, मतलब हिसाब से मैं काफी पहले जैसा था, जैसे मेरे को गुस्सा होता था, जैसे एक अच्छा एक चीज उमंग थी बताओ, अब जीवन आपने ये के छोड़ दिया अंदर। तो आप वो सत्य वक्रतुंड स्टोर कर महाकाय लिया थे होगा ना क्या आप? नीचे? हाँ नीचे स्टोर वक्रतुंड कर लिया महाकाय होगा हो क्या आपने? गए। हाँ नहीं, क्यों सहेल अब भाई? मुझे बदलाव दिखा है, मुझे नहीं बदलाव तो वो दिखा है, नीचे इसलिए मैंने आप आपको स्टोर बोला करने मेरे लगे को। उसे। अरे साहुल भाई सुनो तो सही, स्टोर करने लगे हो आप नीचे? हाँ हाँ तो वो ऐसे नीचे कितना बड़ा हो गया आपका, वो नीचे लटक गया पावर होगा वो बैंक तो, है। इतने सालों तक, इतने सालों देखिए का स्टोर करते ऊर्ध्गामी होता करते है, ऊर्ध्गामी लटक हमारे वीर्य हमारा उसके अंदर नहीं रहता है, माने गया तो कहाँ ग्लैंड के चला अंदर नहीं जाता? रहता है, हमारे खून के अंदर ही रहता है उसके अंदर। खून के अंदर खून आप के अंदर गिर नहीं रहे हैं, रहता है आपके वो, क्या खून के बात। अंदर वीर रहे हैं, देखिए वेब मतलब उसमें रहता है, भाप के उसमें रहता है, हिसाब से बॉडी में पूरा आपके फैला है। अच्छा अच्छा आपके रूप में, आपके खून में वीर माय स्टीम गॉड, के रूप में, वाटर वेपर्स। जब जब हम मतलब एक्साइटेड, मतलब हिसाब से हम ज्यादा होते हैं जब काम क्रिया करने जाते हैं अच्छा एक तब। बात बताओ, खून मतलब ये भाप के रूप में मतलब पूरे शरीर में है आपके वीर, आपके हाँ धीरे धीरे, एक मुंह हमारे में? योगा योग की अच्छा पद्धति अच्छा ये होती है बताओ, जिसमें अभी आप अभी अपने, मुंह में है क्या आपके, आपके मुंह में है क्या अभी? क्यों नहीं कि एक योगिक उसमें भी तो पानी पद्धति, वानी भाप 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 के रूप में होगा ना? देखिए योग एक पद्धति होती है जिसमें हमारा एक होता है कि आप नीचे से, ये ना एक अच्छा नस होती वीर के है कुछ शरीर अंश की, होंगे ना अभी आपके मुंह में, बिल्कुल होंगे सर, खून में है ना इनके तो। आपके खून। अच्छा, खून थोड़ा थोड़ा दिमाग तक भी तो जाता है ना, आपके दिमाग में वीर रहे? अच्छा देखिए नस होती है एक जिससे वीर्य आपके निकलता नस है, ठीक। वीर रहे, हाँ वो नीचे की तरफ ही उसका फ्लो होता है, नस नस में वीर एक भरा हुआ है। देखिए एक नस होती है जिसके थ्रू होता है, इतना एक तो आपने नस भी होती है बायोलॉजी पढ़ी जिसके होगी थ्रू वीर होता है। आप। हाँ सर ये निकाल भी नहीं रहे सर, ये तो बढ़ गया होगा ना इनका वीर्य तो सर, खून कम हाँ हो गया नस होगा। फट हाँ जाएगी भाई। वीर्य दौड़ रहा होगा अब तो, क्यों साहिल भाई अब तो खून बचा ही नहीं होगा ना। आप बताइए आपका क्या इसमें, मतलब इसमें वो है पॉइंट आपका, इसमें वो कि आपको हमको तो आपको कुछ, क्या? हम तो अज्ञानी है ना, हम तो आपसे हमारा ज्ञान तो ले वही रहे है हैं, जो हमारे कृष्ण पास जी तो का हम था, ज्ञानी हाँ, जो कृष्ण जी का था वही हमारा। आप बात को नहीं पलट रहे हैं, आप डिबेट करने की आपने अरे कहा ही नहीं है, मैं कहाँ कहाँ क्या डिबेट साहिल करने आया हूँ, आप भाई क्या सुनो, कर रहे हो? आपके दिमाग में वीर भरा हुआ है, मेरी क्या औकात होगी बताओ आपके सामने, आपसे सही कहाँ बात है डिबेट सर, कर पाऊंगा मैं तो आपसे ज्ञान ले रहा हूं बस, अब डिबेट होगी इच नहीं आपसे। वीर पुत्र अरोरा जी देखिए पहले के साहिल जमाने भाई में बस इतना ना, सारा वीर को बचा के करोगे क्या ही बताओ, हाँ वही तो पहले के लटक गया जमाने में होगा ना ना, भूत भूत वगैरह का पालन करते थे तभी इतने ज्यादा लोग मजबूत होते थे, कभी अच्छा चट्टान शंकर के भी ऊपर लटका हाथ रहे हो मारा आप, चट्टान शंकर टूट जी ना जाती। दिए थे ना, शंकर जी भागवत पुराण में आया है कि वो मोहिनी को देख के वीर टपका दिए थे। हाँ देखिए मैं इसका कहानी बताता हूँ, इसमें क्यों हुआ था, हाँ भगवान बताओ, ये जानना कृष्ण चाह रहा था मैं, के भक्त हैं, ठीक है ये बात आपको भी और पता है, भगवान सबको पता कौन है, है भाई? भगवान शिव कृष्ण के भक्त हैं। भगवान ने कहा है कि ये जगत भगवान सब शिव मिथ्या है। कृष्ण के भक्त हैं, ये कैसे पॉसिबल है हाँ यार? है अच्छा है, आप चलो है खुद कर मान लीजिए, लिया। भगवान पूरे दिन राम नाम जपते हैं, आपने खुद पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा इतना होगा आपको, कौन आपने भगवान पढ़े हैं। शंकर राम नाम जपते हैं? हाँ बताओ, बड़ी फुर्सत है उन्हें तो, काम ही नहीं है कुछ यार ये सब पूरे दिन, चलो मान लेते हैं मॉरल वेले सर। वेले। हाँ भाई हाँ हाँ वेले, वीर वेला भगवान पढ़ लेना, भी आप है, पढ़ लेना, आपने पढ़ा है मेला नहीं, भगवान है आपने ना बस तुम्हारे, ध्यान, बस मॉरल आपका सर एक ध्यान काम बस करते मान भागवत के लेते हैं, दसवें ये में मान पूरे दिन लिया, मान लिया मान टपकाएंगे ना लिया, शंकर जी। चाइना में रहने हाँ वाला भाई फिर भगवान आगे इनका क्या हुआ, राम आगे नाम हुआ? जपता है। चलो हाँ आगे बोलो। हाँ भगवान शिव जी भक्त हैं कृष्ण के, ठीक है। जब कृष्ण ओके ओके स्त्री रूप में आए राक्षस को मतलब भटकाने, ठीक है, तो भगवान स्त्री के रूप में भी आते हैं, भगवान इतने मनमोहन है, इतने ज्यादा ओके, ये आकर्षित है कि भगवान शंकर जी भाई ने उनके भाई ऊपर पिचकारी टेक्निकल चला भी दी सर, एक भक्त, टेक्निकल हाँ प्रॉब्लम हो गई कृष्ण मेरी, इतने मनमोहक है कि भक्ति शंकर जी बोले ले कृष्ण, अपना पिचकारी चला दिए।
भगवान शिव जी जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो अपनी जांघों पे अपनी पत्नी को बैठाकर भागवतम का पाठ कर रहे हैं, उसके अंदर आप देख सुन, सकते थोड़ी कितना बहुत ज्यादा जांघ विराटी है। बिठाते हैं भाई, कौन कौन बिठाता है क्या जांघ में? क्या भगवान शिव, आपने वाली कहानी नहीं जांघ में सुनी, पत्नी एक बिठाती है अगर चित्रकेतु नाम का एक बंदा था, चित्रकेतु नाम का एक बंदा था जो मजाक उड़ा रहा था शिव जी के बारे में। आप ही जैसे हाँ मजाक बनाते हैं नहीं भगवान के नहीं बारे में। जांग में, पार्वती, जांग में किसको बिठाते हैं? शंकर भगवान? जान में, हाँ बताओ तो सही, किसे बिठाते हैं? हाँ, हिमालय में, सॉरी हिमालय में, हिमालय में कैलाश में, ठंडी है बहुत, ठंड हाँ कैलाश में एक बारी हो रही थी, उड़ काफी सारे जाते हैं संत वीर, लोग आए हुए उड़ थे, जाते भागवतम कथा कर रहे थे शिव जी, ठीक है। पार्वती जी हैं, बैठी शिव हुई जी थी खुद ही जांघों, भागवतम कर रहे थे, बहुत हो गई है तो ठीक हाँ है, भागवतम कर चलो। रहे थे जांघों पर बिठा के, एकदम पार्वती से जी बैठी, किसे चित्र, बिठा गया? जांघ में हाँ क्यों बिठाए चित्रकेत, यार? हाँ अब किसे उसका भी बिठाया एक रीजन जाने? है, वो आप अज्ञानियों के आ नहीं सकता। हाँ पार्वती नहीं भी आएगा बहुत भाई, बड़ी भक्त है, आप ही बताओगे। पार्वती भी बहुत बड़ी भक्त है, पूरे दिन राम राम जपना, भागवतम का पाठ जान पे क्यों करना, बैठ रही है तो यार, ठीक भक्त तो जान पे है। क्यों बैठ रही है? भगवान अपने साइड में नहीं बिठाना चाहते थे, उनका स्थान फूले की ऊपर लड़की है, की भगवान घड़ी, से भी ऊपर है, इसलिए इसलिए जांघों पे बैठाते कि नहीं, वो तुम्हारा स्थान मेरे बराबर नहीं है, तुम्हारा स्थान उससे भी ऊपर है, एक भक्त दूसरे भक्त को सम्मान देता है। अरे तो सिर पे बिठा लेना था भाई, भाई जांग सर पर पे क्यों बिठाए? बिठा हाँ देते हैं, जांग पे कैसे बैठ सकता है कोई, खिसक जाएगा ना, से जांग पे बिठाएंगे तो नीचे खिसक जाएगा, बीच में आ जाएगा वो तो। और वहां वहां हाँ सांप जैसे भी है। आपने बिठाया जांग पे कभी किसी को? क्यों साहिल भाई, आपने जांग पे बिठाया किसी को? देखिए, पूरी हर कोई संगत अपनी के पत्नी को दिनों पे बिठाए बिठाता है, होंगे सर। हर कोई अपनी पत्नी को बिठाता है, किसने कह दिया वो भाई, कान हर पे बिठाए, कोई अपनी कोई पत्नी को जांग कोई पर नहीं बिठाता बिठाता है? भाई, अपने हे पापा से बाबा पूछ के लेना ये भाई, बात, पापा से पूछ लेना मम्मी को बिठाया था कि नहीं, 100 जूते पड़े नहीं बेटा, पिताजी में 100 जूते पड़ते तुम्हारे, अगर वो जांग पे बिठा लेते मम्मी को। देखिए भगवान की बातें बड़ी गहरी होती है, आप समझ नहीं सकते। गहरी, हाँ भगवान ये इतनी तो भगवान बेवकूफ शिव है, ने भी एक बात, हाँ ये समझाओ बात कही समझाओ थी कि भगवान भगवान समझाओ की तो इच्छा से सही। कोई अरे ज्ञानी बनता है, भगवान की इच्छा जांग से पे कोई तो क्यों मूर्ख बिठाए, ये बनता है। समझाओ यार, चलो। हाँ हाँ जांग, हाँ तो जांग पे बिठाए हाँ क्यों यार, ये बता दो हाँ बस। ठीक है। चित्रकेतु भी ऐसे मजाक उड़ाने लग गया कि कोई अगर अरे भाड़ में सामने जाए से, चित्रकेतु, जांग पे क्यों बैठाए ये बताओ। हाँ वही तो बोलने लग गया चित्रकेतु भगवान शिव जी के बारे में ऊटपटांग। पार्वती को आ गया गुस्सा, पार्वती ने उसको शराब, शराब दे दिया कि तू मूर्ख समझ नहीं सकता, तो शराब राक्षसी देती थी वो, योनि में जा, तू शराब देवता बनने के कौन लायक सी वाली नहीं हो, है। ओल्ड मॉन्क, नहीं शराब, क्या बकवास कर रहे, शराब शराब आप बोले ना, मतलब पार्वती जी ने उसको शराब शराब दे दिया। मतलब जैसे वरदान होता है वैसे श्राप होता है कि तुम इस अधम योनि में मर जाओ, तुम देवता बनने के लायक नहीं हो, तुम्हें शराब अकल बोलो नहीं भाई, है। शराप शराब बोलो, शराब तो होता है होता भाई, है, शराप होता है ठीक भाई, है। शराप मेरे को लगा थोड़ी पार्वती जी ओल्ड मॉन्क पिला रही है क्या। होता है। क्या ठीक है, हाँ इस टाइप से अच्छा भगवान तो ने, कृष्ण की मोहक वो हाँ देख के शंकर जी ने अपने वीर छलका दिया। हाँ नहीं ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, अच्छा इसलिए एक हुआ बात था। बताओ, देखो भगवान शंकर ने कृष्ण जी का मोहक रूप देखा तो उनके वीर स्खलित हाँ हो गया है ए, ना। आपका ध्यान बस स्त्री पुरुष में क्यों अरे जा पर रहा है, पूरी आप आत्मा के रूप सुन तो में क्यों नहीं लो, देख रहे हैं? क्योंकि हाँ हुआ था भाई सुन तो लो, तो वो इतना मोहक स्वरूप था कि वीर स्खलित हो गया। भगवान पुरुष के रूप में आए, भगवान स्त्री के रूप में आए, भगवान वही है, हाँ इतने वही है, आकर्षक है, चलो ठीक भगवान है ना, सूरत के मान रूप लिया में आए मान थे। लिया मान लिया, इसलिए वीर स्खलित हो गया, आप यही बोले ना। के रूप में आए, सही है। अगर आपके सामने में आ जाए तो आपका भी हो जाएगा। देखिए भगवान स्त्री के रूप में आए, भगवान पुरुष के रूप में आए, भगवान सुअर के रूप में आए, भगवान कछुए के रूप में आए, भगवान शेर के उसमें लिंग के आए, रूप, वही लिंग के रूप में ना आनंद वीर स्खलित हो मिलेगा, जाएगा, वही आकर्षण, वही यही आकर्षण, आकर्षण, वही लिंग के आनंद। रूप में आना ही अरे आकर्षण तो है जब उसमें। शंकर जी का हो गया तो क्या आपका भी हो जाएगा क्या, पूछ रहा हूं, अगर आपके भी मैंने सामने आ कहा गए ना, तो। नहीं मैंने कहा ना, भगवान किसी भी रूप में आ जाए मेरे सामने, वही आकर्षण, वही प्रेम रहेगा मेरा, मतलब वही वही स्खलन हो आकर्षण, वही जाएगा प्रेम, आपका वैसे ही। भगवान वही है, भगवान ना हमारे हमारे अरे नहीं, आत्मा जैसा आपका हमारा। होगा कि नहीं पूछ रहा हूं। देखिए वो इसलिए लीला करी थी भगवान ने क्योंकि वो आप वीर्य भगवान दानव का से अंजना देख के थी। देख रहे हैं, सुनो क्या, हाँ आप क्या भगवान शंकर से बड़े? हाँ कौन मैं? नहीं वो तो तो जब मैं भगवान मुझे भगवान ने शंकर के कुछ नहीं। सामने आप ही कह रहे हैं कि ऐसी लीला की कृष्ण ने मोहिनी रूप लगा के कि भाई उनका वीर स्खलित हो गया, अगर कृष्ण जी आपके सामने भी मोहिनी बन के आ जाए तो क्या आपका होगा? ऑब्वियस है सर, नहीं होगा क्योंकि इसमें भी लीला है, आप समझ नहीं यानी आप पाते, लीला है, नहीं, इसमें लीला, अगर नहीं इसी से होगा हनुमान तो का आप भी ये कह होना था रहे हो कि जन्म, आप शंकर जी से बड़े हो, फिर नहीं हनुमान का भी जन्म होना था इसलिए था, क्योंकि हनुमान जी वो का भी जब स्खलित हो देवी, गया था। नहीं, शंकर जी का जब हुआ, देवी देवता ने
वरुण देवता ने उनको अपने अच्छा एक शिव जगह पुराण स्थापित में कर तो आया लिया। है ना कि शिव पुराण में तो आया है कि शंकर जी अपना वीर्य को बाहर आके स्खलित कर दिए, तो अग्नि उसको मुंह में ले लिया था। हाँ, अग्नि ने उसको हाथ में ले लिया था, अंशना की उसने अग्नि मुंह में पहली लिया था पॉइंट। और भाई, अरे ये क्या बात हो गई, हाथ में कबूतर क्या बन बात, के मुंह में ले लिया था चोंच हाथ में। बात अरे हो गई भाई भाई। वो कार्तिकेय, कार्तिकेय जो उनका पुत्र है पार्वती का, उसका उसका लीला। अग्नि, अग्नि भाई कबूतर के हाथ थोड़ी ना होते, कबूतर चोंच होती है ना। हाथ में भाई वो कैसे लेगा कबूतर कार्तिक, भाई। कार्तिकेय की लीला है, जब कार्तिकेय का हाँ जन्म तो हुआ था उसके लिए है वो लीला। ये नहीं तो पार्वती को उन्होंने ले श्राप था लिया कि था सु... पार्वती अपनी कोख से कोई भी पुत्र नहीं पैदा कर सकती, इसलिए लीला करनी जरूरी थी। अभी शिव जी लीला कर जब रहे थे, अभी भगवान, पार्वती की लीला हो रही है यार, क्या कर रहे हो यार, एक जगह लीला रखो ना। आप तो वो समझ नहीं जान पा में रहे, क्यों ये बैठी लीला रहती है। देखिए, पार्वती को श्राप इसलिए था क्योंकि जब भगवान शिव जी कर रहे थे तपस्या, जब सती का देह छोड़ दिया था सती ने, तो उसके बाद घोर तपस्या में भगवान बैठ गए थे। भगवान ने तय कर लिया था मैं शादी नहीं करूंगा, अच्छा। ये इसलिए शंकर जी तो ने ये जो आरडीएस को भी गुदा मैथुन करके मारा था बोलते हैं। राक्षस को मारना जरूरी था, उसने पार्वती का रूप किया था, भगवान ने तो जान लिया था ये पार्वती राक्षस है। तो नहीं, नहीं तो उसके उसके साथ गुदा मैथुन क्यों किया था? देखिए, भगवान के अलग अलग कल्याण करने के मतलब क्या, वो है। नहीं, आदत मतलब आदत थी क्या, मैं पूछ रहा हूँ। पार्वती, जब पार्वती के रूप में आया वो मूर्ख राक्षस, ठीक है, तो भाई भगवान शिव जी ने जान लिया। पार्वती जी के साथ गुदा मैथुन होता था क्या, ये पूछ रहा हूँ, डायरेक्ट पूछ लिया। चलो देखिए, काम में सारे बताए जाए, काम शास्त्र आता है वो भी पार्वती और मतलब शिव भाई जी ये ने। सब ये नहीं नहीं होता, होता, वो वो भाई भाई क्या क्या बात बात कर कर रहा रहे है यार, करते ये थे नहीं होता मतलब भाई। गुदा मैथुन। सुनिए यार, काम नहीं नहीं शास्त्र में ये सब नहीं लिखा आपको होता मैं है। बताता हूँ, जिस पे बताता हूँ नहीं काम नहीं एक शास्त्र सीधा बताओ, ये क्या बोले सर अभी, देखो ये बोल रहे करते थे, हाँ सही करते बोल थे। रहे। अब मैं काम सूत्र था वो हिस्ट्री तो बता रहा हूँ कि जब पार्वती और शिव जी का पवित्र संवाद था, प्रेम दर्शन देखकर नंदी ने वो सारा लिखा, ठीक है, वो धीरे धीरे नंदी करते ने भी गुदा करते मैथुन आपको कर दिया, बताया। नंदी नहीं, देख रहा था, नंदी ने सब नंदी नंदी देख मतलब नंदी देखा शंकर जी और पार्वती का गुदा मैथुन देख रहा था नंदी। नहीं। क्या बात कर रहा है भाई तो ये, अभी देखिए तो आप बोले कि देखिए, नंदी ने देख के सब लिखा, पवित्र संवाद लिखा जा रहा था, लिखा भगवान ने कि ये और आम नंदी लोग पढ़ पाए, वो प्रेम को आप समझ लोग पाए। कर पाए, कोई आप नहीं करता भाई कृपया गुदा मैथुन। ओ भाई सुन ले, अपने पापा से पूछ लेना, कोई गुदा मैथुन नहीं करता है। क्या बकवास बातें कर रहा है भाई तू, यार एक काम मिनट, ये में देखो, लिखा है। ये कौन सी दुनिया में ये बालक देख क्या रहा था बातें कर गुदा रहा है। मैथुन, तभी इसकी आंख ऐसी है। ये देखो सर, मॉरल सर, इसकी आंख देखो चौड़ा गया सर। अरे ये क्या देख लिया मैं, ये देख रहा था, ये यार क्यों भाई, काम शास्त्र इसी ने लिखा है। भगवान, साहिल भाई भगवान की पागल हो पवित्र गया, ये संवाद, बच्चा पागल भगवान हो के चुका है। प्रेम लिए लीला को लिखा गया, इसलिए वो लिखा भाई गया गुदा आम जनता मैथुन के की लिए कोई लिखा लीला जाए, नहीं वो होती देख भाई, पाए, समझ वो पाए कि बस किस आस्था प्रेम रुक को जा लिखा। बेटा, रुक जा बेटा। कोका बाबा कौन था, कोका बाबा। प्रेम था यहाँ। अब मैं आपको समझाता, प्रेम और भोग में एक अंतर। मिनट, काम क्या आप ये कह रहे हो, आप एकदम अब इधर उधर नहीं, डायरेक्ट बताओ, क्या आप ये कह रहे हो कि पार्वती जी और भगवान शंकर जो है ये गुदा मैथुन कर रहे थे और नंदी ने देख के लिखा, क्या आप ये कह रहे हो? नहीं, नहीं लिख रहा, ये नहीं बोला मैंने, ये अभी बोला कि थोड़ी देर प्रेम पहले और है आपने कहा कि उनका संवाद। प्रेम को देख के लिखा, भाई लीला होती है, संभव होता है प्रेम का, कि प्रेम क्या है, राधा काम कृष्ण का सूत्र भी में तो और आता है क्या है, इसमें बातें। काम सूत्र को आपने कहा नंदी ने लिखा उनका देख के। ये नंदी पहले जब आपसे एक बार आरडीएस सवाल का पूछ रहा गुदा हूँ, मैथुन, सुनो एक बार सुनो बताओ, अमित भाई सुनो। ठीक है ठीक है, प्रेम और काम में अंतर प्रेम क्या है, पहले ये बताओ आप मुझे। गुदा मैथुन का अंतर है। यही तो आपकी अज्ञानता है, मैं बताता हूँ क्या है प्रेम और अच्छा, उसमें मतलब स्वार्थ। गुदा मैथुन काम प्रेम, नहीं है, प्रेम प्रेम है। और नकली प्रेम में, हाँ प्रेम और नकली प्रेम में क्या अंतर है, ठीक हाँ, है। जब नंदी और संसार में, शंकर जी में असली प्रेम था। पहले आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं, आप अपनी अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। नहीं आरडी का बताओ ना, आरडी को मतलब आरडी के पिछवाड़े में चाकू रख के क्यों ठोका गया भाई, ये पूछ रहा हूं मैं। खुद मतलब उसके पेट में हाँ डाल यार, देते, अर्जुन उसके छाती में मार देते, इधर राक्षस को मारने का ऐसी डायरेक्ट। तरीका था, जब वो मूर्ख आया, रूप लिया उसने, भगवान समझ गए थे कि मूर्ख का धार करना जरूरी है, इसलिए भगवान ने किया। तो भगवान के अरे अलग तो अलग उसने तो तरीके हो सकते हैं पेट में चाकू भाई, डाल खुदा देना से था कौन भाई, सा होता है, पेट उद्धार होता पेट है में बाद मार में। दो। भगवान तो कल्याण ही करेंगे मनुष्य का, वो अबे पाप कल्याण मतलब में चाकू उसके डालेगा लिए तो वो उल्टा तो कार्य नीचे से हमें कल्याण होता लगेगा है, ही। क्या बातें कर रहा है,
पीछे से कल्याण राक्षस करते का तुम्हारे उधारी दोहा भगवान, भगवान शिव के द्वारा। तो गुदा का गुदा में डालने की क्या जरूरत है भाई? आपको पता है आडी किसका पुत्र था? अंधक आपको का। पता है गुदा में गुदोत्तर चाकू बोल डालो रही तो है, क्या पता है उसका वो पता पोता है? था उनका शंकर जी का, पोता था शंकर जी का मुझे बताया अपने एक अंधक पुत्र के का साथ। मतलब। अंधक का जन्म हुआ था जब पार्वती ने हाथ आंखें बंद कर दी थी शिव जी की। हाँ मे बी तो ऐसी कोई अपने ही स्टोरी थी। पोते के साथ। अरे भाई वो एकदम उनका पता नहीं क्या मतलब उसमें थ्रू हुआ था अंधक का जन्म। अच्छा ये बताओ और वो उसको शिव दूती को अपना अंडकोश भी खिलाए थे? हाँ यार आपको मतलब शिव क्या दूती क्या मतलब कांड पता है? किए। हाँ वो आपको चाइना पता से, है? वो चाइना पहले में आप चलता है नहीं, आप सर। सवाल से भटक क्यों रहे हैं? आपको आंसर जिसका हाँ नहीं पता चाइना चलता में आप चलता है आंसर हटा सर्वेश्वर। देते हैं। नहीं, हम पहले आप मुझे आप ही ये से पूछ रहे बताइए। हैं, हमको कुछ हाँ नहीं नहीं, पता, हम सब आपसे जानना हाँ चाहते हैं। हाँ शिव हाँ दूती मैं कौन आज होती है? पूरी आज मैं आपका सारा ज्ञान तो निकालते रहूंगा, ज्ञान सार निकालोगे? निकाल। पूरा? हाँ पूरी हाँ निकालना। हाँ ठीक है। पहले तो ये बताओ प्रेम और नकली प्रेम में क्या अंतर है? फटाफट बताओ अरे मुझे, घंट 2 सेकंड में में जाए अंडकोश क्यों वो खिलाए ये अपने घर बताओ जाके भाई, पापा से पूछना यार। तुम ये बताओ अंड, बताओ हाँ शिवदूती वाली बात बताओ। अंडकोश क्यों खिलाया? शिवदूती मतलब आपको पता है कौन है? कौन है ये? देखो पद्म पुराण सृष्टि खंड 6 अध्याय 31 में आएगा भाई, मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि लोग ये ना बोले कुछ भी बोलते हैं। ये देखो भक्षय ध्वम ही सहितो लंबो से वृषणा विभव अनन चापि भोजेन परा तृप्तिर भविष्यति। खा ले जिसको आज तक कोई नहीं खाया, वो मैं तेरे को देता हूं मेरे गोल गोल फल के समान। लंब सहित अर्थात उपेन्द्रिय सहित वृषण यानी मेरे अंड कोश है, इसको खा जा, इसको खाने से तेरी पूर्ण तृप्ति हो जाएगी। क्यों खिलाया अंडकोश? क्यों खिलाया? हूं नहीं भगवान ने इसमें प्रेम से भगवान भगवान ने चाइनीज इसलिए प्रेम है खिलाया। भाई, हमको ज्ञान पहले दो पर ना यार। वृषण मतलब आपको पता है वृषण क्या होता है? वृषण? हाँ ये देखो ना लंबाओ से। अरे मेरे को संस्कृत मत सिखाओ, मैं संस्कृत आती भाई। भक्षय ध्वम ही सहित लंबाओ से वृषणा विभव, ये तो तुम्हारे पास भी होंगे लंबे यार। लंबे ये जो अंडकोश हैं क्यों खिलाया? इसका इसमें भी लीला है भगवान की, इसमें भी भगवान हाँ का कुछ ना बताओ कुछ लीला होगा बताओ कल्याण के लीला लिए। है। अच्छा आपको लीला बताओ बोलेंगे लीला साहिल तू मेरा अंडकोश खा ले, लीला है मेरी, खा लोगे? लीला लीला। हाँ बताओ लीला बताओ। पहले आप मेरे आंसर का जवाब दिए बोले हैं आप। साहिल अनन्य चापी भोजन जो किसी ने अभी तक नहीं खाया, मैं तुझे खिलाता हूं, तेरी परा तृप्तिर भविष्यति, हमेशा हमेशा के लिए तू तृप्त हो जाएगा। खा लोगे आप? लीला है अब बोले मैं मेरी, आपको आपको बताता हूँ आंसर क्या है, ठीक है? मुझे अभी तेरे भी को सिर्फ सेंस हुआ। ये नहीं, हाँ सिर्फ ये बताओ मुझे कि अभी सेंस आपको हुआ अपना है। अंडकोश खिलाफ खाओगे हाँ क्या? नहीं अभी अभी मुझे अनुभूति हुई है इसका, इसका क्या अभी आंसर अभी है हाँ वो मैं वही आपको तो मैं बताऊँ। सोच रहा था, अभी इतना देर हाँ साहिल भाई क्या ठीक कर है। रहा है। हाँ ठीक आप है। भगवान साहिल भाई शिव की के, वीर की जो नस थी ना मॉरल सरो दब गई थी, अब खुल गई। हाँ दब गई भाई तो दिमाग तक पहुंच गया, एका खुल एका शुक्राणु पहुंच गया दिमाग तक। हाँ यहाँ सुनिए, भगवान शिव तमोगुणी राक्षस, भगवान की जो ली मतलब उसने परिकर है उसमें कौन कौन है? राक्षस है, दंड अरे भाई ये राक्षस है। शिवदूती है, ये लेट आई हाँ हाँ थी, हाँ शिव जी ने हाँ दावत दी तो ये लेट राक्षस आई। है, ये राक्षस है, इसलिए अरे राक्षस को राक्षस नहीं करना भैया, जरूरी खाना था। बनाने भगवान वाला, भी क्या बात ऐसे, कर रहे, सेविका है उनकी हाँ शिव जी की। ये उनके सर्वेंट है भाई, उनके यहाँ शिवदूती है यार वो तो। भगवान तमोगुणी के प्रधान है। देखिए भगवान ने तीन तीन अपने तमोगुणी रूप के बनाया हुआ तुम है, मतलब ब्रह्मा क्या तमोगुणी को विष्णु अंडकोश खिला दोगे तल के? मोमो और ये राक्षस। मोमो कहीं वही तो नहीं है? हैं? देखिए भगवान के लोक में भी एक दूत होता है जो भगवान को बताता है कि ये यहाँ से ये खबर ये है, मोमो है यहाँ से भगवान? कोई आया दरबार में मिलने के लिए, तो अच्छा भगवान राक्षस के है जो दूत राक्षस। लोग थे वो बताते थे कि भगवान ये मोमो है इसको खिला दो। है हाँ भगवान ने किया, पर आप तो क्यों आप, क्या किया भगवान की एक भगवान बार ने? पिटाई भी हुई थी पता है आपको? ये देखो कूर्म पुराण उत्तरार्ध अध्याय 38 में आया है, ये कब की बात है? जब
दारुवन में अपना नंग धुड़ंग एकदम निकल गए ना, तो वहां ऋषि ने कहा हमने अपनी पतिव्रता पत्नियों को पुरुषादम अर्थात पुरुषों में अधम कहे जाने वाले इस महानीच शिव के साथ व्याभिचार करते हुए देखा। हमने उस शिव को डंडे लोहे व लात घूसे से खूब पीटा तथा हमने इस पाखंडी शिव को नंगा विकृत आकृति वाला देखकर उसे श्राप दिया, हे दुर्मति तेरा ये लिंग कट के जमीन पे गिर पड़े। ये देखो पिटाई भी हुई थी। ये कब की बात है आपको पता है? सती जब चली गई थी छोड़कर भगवान शिव की क्या हालत हो गई थी? जब सती चली गई थी तो भगवान जो है ये अपना लंग लोके मतलब अपना चढ़ा के सारी दुनिया मतलब वो घूम रहे हैं। सत्य आप अपने आप को शिव के जगह रखे हैं बड़ी और करें कि आपकी पत्नी का ध्यान तो ये थोड़ी करेंगे ऐसा। बरसात के मेरे आंसर का जवाब दे नहीं रहे आप। अलग अलग आया कपड़ा बिछोड़ आया ऐसे दारुवन में, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो मेरा अंडकोश को हिल लेने दो, ऐसे करके घूम रहे थे वहां दारुवन में। अरे भाई आपको पता है भगवान शिव कौन है? वैष्णव। वैष्णव का अपराध करने वाले को ना, निंदा करने वाले को कितना बरम चट्टी का कीड़ा, चट्टी का कीड़ा भाई। ये देखो यार आजाद, ये देखो भाई, ये काली तंत्र में महानिर्वाण तंत्र में आया है शराब भाई, मांस। इस बारे में मैं बताता हूं, बोलने दो भाई। शराब मांस मछली के पकोड़े मुद्रा तथा मैथुन ये पंच मकार हैं जो मोक्ष देने वाले हैं मॉरल सर। ओ माय गॉड क्या बात है भाई, मैथुन से तो मोक्ष मिलता है। सुनिए मेरी बात सुनिए, ठीक है? ये तो पकड़ में आ गया भाई साहिल भाई, ये लो भाई तू फंस गया यहां पे। और मैं तो ना मॉरल सर सोचिए ऊपर जा रहा था, सोचिए इत्तिफाक से देखो तुम्हारा भगवान मेरे साथ है। शराब मांस मछली मुद्रा तथा मैथुन ये पंच मकार है जो मोक्ष देने वाले हैं। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, ठीक है? भगवान ने अपने तीन रूप बनाए, ब्रह्मा शंकर और रुद्र, ठीक है? सबको एक एक डिपार्टमेंट बांटा हुआ है। ब्रह्मा को बांटा हुआ है, ब्रह्मा को, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, ब्रह्मा को बांटा हुआ है सत्व गुण, विष्णु को बांटा हुआ है रजोगुण और शिव को बांटा हुआ है। इसमें तो लिखा है काली तंत्र में मध्यम मांसम मीनम च मुद्रा। मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ, ठीक है? मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ, सुनो। आप शिव जी को बांटा गया है तमोगुण, और तमोगुण के लोग भी जितने भी सारे शिव जी अटैक मतलब उनसे आकर्षण होता है। क्यों? भगवान शिव जी ने इतना बड़ा दायित्व उठाया, इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा अपने कंधों पे इतना बोझ उठाया कि ना जो तमोगुण लोग हैं इनका उद्धार मुझे करना है। तमोगुण लोगों को यही अच्छी बातें लगती है, संभोग मांस मदिरा, तो उनका ऐसे ऐसे करके वो धीरे धीरे लेवल अप हो, धीरे धीरे करके वो अपने आप को सही में करे, अच्छे कामों में लगाए। इसलिए बोले जा रहे हो, ये देखो भाई एक मिनट रुको, ये देखो यार ये है भैरवी तंत्र, सुनो ये भैरवी तंत्र है। सर्वप्रथम मध्य में एक वेदी बनाई जाती है, वहां पे कैसे पूजा होती है? उस पर एक घड़ा रखते हैं, घड़े पर नारियल रखते हैं, उपस्थित समूह में जो भी जोड़ा स्त्री व पुरुष सर्वथा नग्न हो जाता है वे अपनी उपस्थेंद्री को शराब से धोकर साफ करते हैं। पुरुष जो नारी के गुप्तांग की पूजा सिंदूर व चावल आदि से करता है, इसी प्रकार नारी नर के गुप्तांग की पूजा करती, सभी लोग ह्रीम ह्रीम क्लिम क्लिम आदि मंत्र का जाप करते हैं। पूजा के बाद शराब का एक एक पैग प्रायः दो दो तोला शराब का सबको मिलता है, सभी स्त्री पुरुष उसे पीते हैं। बाद में मांस मिलता है जिसे प्रसाद समझ के खाते हैं, फिर दूसरी बार शराब मिलती है, फिर तीसरी बार मछली के पकोड़े व शराब मिलती है, फिर दही बड़े मिलते हैं, फिर चौथी बार शराब मिलती है, एक बार पुनः पांचवी बार शराब का दौर चलता है, उसके बाद रोशनी बंद कर दी जाती है और रात भर मैथुन का क्रम जारी होता है। ये मध्य मांस मीन मुद्रा व मैथुन वाम मार्गी धर्म के मूल स्तंभ जो पंच मकार कहलाते हैं। जिस पुरुष व स्त्री के गुप्तांग का पूजन होता है वे दोनों साधक व साधिका कहलाते हैं। अब देखिए जैसे एक माँ होती है, बनारस आदि जगहों में भी जो शिव जी के गढ़ हैं जहाँ पे प्रायः इन वाम मार्गियों की शाखाएं लगती हैं,
पाठकों के लिए वाम मार्ग का स्वरूप प्रकट करने के लिए श्लोक ही काफी है। काली तंत्र में मध्यम मासम मीनम च मुद्रा मैथुनमेव च, ये लो भाई। अब मेरे पास एतः पंचम मकारा, क्या बात कर रहे हो यार आप। सुनिए सुनिए, जैसे माँ होती है अपने बच्चे को कभी थप्पड़ मारती है कभी प्रेम करती है, उसको बच्चे को नहीं पता कि माँ थप्पड़ क्यों मारी, इसमें भी कल्याण है उसका बच्चे का। हाँ, तो इसलिए ये बनाया गया भगवान ने, ये मार्ग तमो जैसे भगवान ने अलग अलग मार्ग बनाए, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग वाला तामसिक मार्ग क्यों बनाया, जो तामसिक बच्चे हैं उनका उद्धार हो सके। वो अच्छा ये बताओ ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही है तीनों, क्योंकि अलग अलग रूप है, अलग अलग उनको गुण बांटे गए। आप नरक जा रहे हो कि स्वर्ग जा रहे हो? देखिए मैं अच्छा काम करूंगा मैं तो सीधा क्यों जाऊंगा इस भौतिक संसार में, पूरा माया से बना हुआ संसार। आप नरक जा रहे हो, देख लो मैं कैसे। गरुड़ पुराण ब्रह्म कांड अध्याय 4 में लिखा है, जो लोग ब्रह्मा विष्णु व महादेव को एक ही ईश्वर का मानते हैं वे मर के घोर नरक में जाते हैं, उनका पुनर्जन्म भी नहीं होता। बहुत बढ़िया, ले भाई खुद ही नरक जा रहे हो मेरे साथ। उस बात में आ रहा हूँ, देखिए किस बात पे, शक्ति एक ही है, शक्ति मतलब, अरे टक्टी पत्ती मत करो, नरक जा रहे हो गया ये और गया। गरुड़ पुराण थोड़ी गलत हो जाएगा। नरकम घोरम पुनरावर्तितम, कभी आओगे भी नहीं वापस, वहीं तले जाएंगे आपको, वहीं आपका मछली का पकौड़ा खाएंगे साधक साधी का, समझे। और उसके मैं बात कर ही रहा था, आप टोक पड़े, मैं आपको बात क्लियर कर ही रहा था, आप टोक पड़े, अब बोलने का मौका कहाँ दे रहे हैं आप, खुद ही अपनी बात सुन रहे हैं। दिमाग में वीर भरा है यार, तुम क्या बोलोगे। वीर तो आपका काम नहीं कर रहा इनका सर, ठीक से आपका नहीं कर रहा है, मैं तो क्लियर आपको बताया जा रहा हूँ, आप ही काम करता है भाई आपको। तुम्हारा गलत जगह पहुंच गया भाई, क्या ज्ञान को समझ नहीं पा रहे हो, आपका जड़ हो गई है बुद्धि, जैसे जड़ बुद्धि में समझ नहीं आता था ना ज्ञान, दिव्य दिव्य ज्ञान उस प्रकार। अच्छा अब जान ही नहीं पा रहे। अच्छा यार ये शंकर जी की, ये देखो यार ये तो क्या क्या यार देखो। हाँ ये देखो मत्स्य पुराण अध्याय 154 श्लोक 31 में यह शंकर पर नारियों का लंपट है लिखा है, आगे लिखा है यह सब शंकर के विभत्स रूप दूषित आचरणों कारण हुआ है, शंकर का वास्तविक चरित्र एवं स्वरूप क्या था और क्या हो सकता है। क्या आपने कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, या शिव पुराण पढ़ रहे हैं, या किसी कौन सा पढ़ रहे हैं, मतलब ये लिखा है आपका मत्स्य पुराण अध्याय 154 श्लोक 31 में यह शिव पर नारियों के लंपट है। लंपट जानते हो किसको, वही बुक है, वही पुराण है, या आप किसी और बुक का अरे मैं तो एक ये जो तुम्हारे एक दिमाग में बताते जा रहा हूँ ना। अब देखिये मैं तो सबके लिए आया, राधा कृष्ण के बारे में ऊट पटांग, राम के बारे में, सीता के बारे में, अरे मैं शंकर जी को आपको ये तीन ही मिल रहे हैं, टारगेट लगता है आपको तीन ही मिल रहे हैं, पता नहीं आपका क्या बिगाड़ रहे हैं। जी पूछ जाऊं भगवान ने, हनुमान जी पे आ जाऊं चाह रहे हो, मैं तो इस पे कूदना, आप हर भगवान के बारे में आ जाइए, कृष्ण के बारे में आ जाइए, हर किसी से बताने को तैयार हूं। ये आखिरी में चलो ये बता दो अंडकोश क्यों खिलाए थे, लास्ट में जाते जाते बता दो। अब फिर अब बात, अब ज्ञान मैं आपको क्या समझाऊं, देर में कोई ज्ञान नहीं दे पाए यार आप। ये भगवान को समझाओ ना तुम्हारे यार, तुम्हारे भगवान यही तो करते रहते, जहाँ सत्संग में जाते हो ना वहाँ गुरुदेव से पूछना, ठीक है। वही तो उनकी जांग में बैठ के वीर दिमाग तक पहुंच जाए गुरु जी, वीर तुम्हारे दिमाग तक पहुंचा देंगे अगर जांग पे बैठोगे तो, डायरेक्ट कनेक्शन। समझ नहीं आप पता नहीं किस उसमें है, बट मैं ये जो आप कर रहे हैं ना, आज एक काम करो भाई सुनो, आज रिलैक्स हो जाओ, सन्नी लियोनी देखो, मानो मेरी बात, आज रात को, आज बहुत हो गया, नींद नहीं आएगी, मेरी बात मानो प्यारे गुड्डा भाई, आज आज ज्ञान को उड़ेल दो बाहर, बहुत ही खट्टा हो रहा है आपको, सुनो ज्ञान बासी हो रहा है, बात सुनो प्यारे भाई, ज्ञान से जो आप कर रहे हैं चैनल बनाकर ऐसे
भोले वाले लोग हैं उनका भी अगली बार फिर आना, आप मेरे गुड्डा भाई हो, मेरे प्यारे भाई हो आप, ठीक है। अज्ञानता में आप लोगों से पता कितने है, चलो ज्ञानी जो भी, लेकिन सुनो आज ज्ञान बासी हो गया, ठीक है। आज इस ज्ञान को बाहर सुनो तो, आज इस ज्ञान को ना बाहर करो, ठीक है। ये देखो एक चीज आपको दिखा रहा हूं, ये शिवदूती आपकी मदद करेगी, ये नर्कगामी, ये देखो नर्कगामी, ये शिवदूती, जाओ। ओह माय गॉड, अब राधा कृष्ण में आई है ना, मैं तब बताऊंगा। खाली खाली कर लो यार फाइल भाई, अब राधा कृष्ण कहां बचेगा, आप चल नहीं पाओगे मुझे लगता है कुछ महीनों बाद, आपका इतना लटक जाएगा कि चल भी नहीं पाओगे। ये तो है भाई, असली ज्ञान यही है जो आप कर रहे हैं, मतलब भोले लोगों को ऐसे करके, मतलब कितने लोग भोले हो आप, कितने तक से क्यों नहीं बता रहे हैं, आप खुद को बता रहे हैं आज तक आप भोले हो, आप भोले नहीं हो भाई, तुमने आपको खुद तो कुछ अज्ञानता है आपके अंदर, आपके वजह से और भी लोग मेरे अंदर में, तो मैं तो मान ही रहा हूं, अब और भी लोगों को अपनी तरह ही बना रहे हैं, और लोगों को भी आप अपनी तरह ही बना के, वो भी उनको आपके जैसे बना दो, तो आपके जैसे बना दो, तुम अपना ज्ञान बाहर नहीं निकालोगे, ब्रह्मचर्य करोगे, आपको तो समझाना चाहिए लोगों को भगवान ने क्यों किया। साहिल भाई अगर तुम्हारे पिताजी ने ये सब समझ लिया होता तो तुम पैदा ही नहीं होते आज, नहीं होते। तुम बातें कर, तुम्हारे पिताजी ने वीर सिंचित कर लिया होता ना अपना दिमाग में, तो तुम पैदा ही नहीं होते आज तक। सही जगह ये अपने पिताजी को ज्ञान दो ना, तुम्हारे पिताजी को ज्ञान दो ना वीर सिंचित करने का। देखिए परमात्मा ने जिस जिसके लिए बनाया, परमात्मा ने तुम्हें ज्ञान अपने पिताजी को क्यों नहीं दिया पहले, वही तो जाके दो ना, वीर सिंचित के लिए नहीं मिला। तुम जैसा बेवकूफ आदमी पैदा ही नहीं होता, तो आप तो यार तुम कौन सा कोई चंद्रगुप्त मौर्य का परिवार है तुम्हारा यार, कि नाली में नहीं बह जाना चाहिए यार, यार कि सम्राट अशोक को तुम यार कोई आपको पता शास्त्रों क्या हो भाई, कि तुम्हारा नाली में नहीं बहना चाहिए, तुम कौन हो, बादशाह अकबर हो। तो भाई अरोड़ा लोगों का काम नहीं है ये सब जो तुम कर रहे हो, ब्राह्मणों का काम है, वही रहने दो तुम। अरोड़ा लोगों का काम जानते हो क्या है, क्या काम है अरोरा लोगों का, क्या पिताजी से पूछना अपने क्या करते हैं वो, वही करो जो तुम्हारे पिताजी ने किया है। कहां तुम ब्राह्मणों के चक्कर में फंस गए हो जो दिमाग में बीरे रख रहे हो। अच्छा क्या करोगे, क्यों दिमाग में बीरे रख के करोगे क्या, क्या क्या हासिल होगा इससे, दिमाग तेज होगा, तेज होगा मतलब तेज करके करोगे क्या, अरे अच्छा भाई ये जैसे ये जो गंधर्व विवाह करते हैं लोग, अच्छे होते हैं कि बुरे होते हैं गंधर्व विवाह? हाँ मतलब अलग अलग प्रकार के विवाह होते हैं, एक गंधर्व विवाह होता है जिसके अंदर स्त्री को हक होता है, नहीं स्त्री को हक होता है अपनी स्त्री मतलब। अरे भैया अच्छे बता दे यार, हमें भी पता है क्या किया है, इसने तीन विवाह किए लेकिन स्त्री को हक होता है। इरनवा भाई क्षत्रिय को हक होता है क्या सर? ये देखो भाई ये बोल रहा है गंधर्व विवाह करे हो आप नरक जाओगे। नहीं मैं तो नहीं बोला, हमारे शास्त्र में बताया। साहिल भाई ये हिरण में भाई अपना वीर सिंचित नहीं करते, हिरण में भाई सर फिर से रिपीट कीजिए सर प्लीज, रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए। हिरण में भाई आप ब्रह्मचारी हो क्या जो बोला? नहीं 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 हूँ। आप आपने जो बोला लास्ट सेंटेंस उसको रिपीट कीजिए, मैं सुन नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाया ठीक से। आप अपने वीर को सिंचित करते हो क्या? सिंचित मतलब जमा करके रखे हो क्या वीर को? Kind of like that. जमा करते हो? हाँ सही कहा, हाँ। मतलब ब्रह्मचारी नहीं हो आप? ब्रह्मचारी नहीं हूँ। अरे यार ये ब्रह्मचारी नहीं है तो जमा कैसे हो रहा है भाई? ये आप जमा क्यों कर रहे हो भाई? नहीं सर नहीं मैं नहीं मैं ये आपके भाई है भाई, हमारी टीम से नहीं है ये भाई, कौरव सेना के सैनिक है साहिल भाई। सैनिक नहीं ये कौरव है,
कौरवों के वंश आ जाएंगे। आप एक बार राधा कृष्ण जी को बहुत ठोका था। एक बार आप राधा कृष्ण पे आइए, महाराष्ट्र पे आइए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या है असलियत। कृष्ण जी ने वीर संचित ही नहीं किया था यार, क्या करेंगे कृष्ण जी पे आके, उन्होंने सारा खोल दिया था, अपने टंकी निकाल दी थी, बहा दिया था सर। बहा नहीं, ब्रज में नालियां बह रही थी भैया, कृष्ण जी ने इतना बहाया था, नदियां बहा दी थी ब्रज में उन्होंने। सर ये आप बना के बोल रहे हैं? हाँ यार हिरण में भाई, ये तो सही कह रहे हो यार। एक काम करो भाई, आप दोनों यहाँ नीचे बैठो, साहिल भाई और हिरण में प्राइवेट चैट में पहले ये तय करो कि कौन ब्रह्मचारी है आप में से यार, ठीक है? तब हम उससे बात करें, हम सिर्फ ब्रह्मचारी से बात करते हैं।